माय नेम इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजन इयररिंग्स हॉल। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इयररिंग्स यहाँ पर आप लोगों के लिए मंगाए हैं, जो कि आप पार्टी वियर नॉर्मल आप कैसे भी कैरी कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे ये क्यूट से इयररिंग, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये जो इयररिंग का डिजाइन है ये मोर शेप में बने हुए हैं और कलरफुल है। यहाँ पर आपको एक पर्ल मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक मोती मिल जाता है और इस तरीके की ये ड्यूल मोर के शेप है। और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो इसके साथ जो लूप आता है वो भी काफी अच्छा है, और जो इसका डंडा है, जो यानी कि स्ट्रैंड है इसका डालने के लिए, वो भी ज्यादा मोटा नहीं है, तो आप इसे इजीली पहन सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। इसका बैक देख सकते हैं, पूरा का पूरा भरवा बैक है इसका, आपको होलो नहीं मिला है। तो ये मुझे सबसे अमेजिंग बात लगी इन इयररिंग्स की, जिसकी वजह से मैंने इन्हें परचेज किया। सो नेक्स्ट आपको मिलते हैं ये क्यूट से फ्लावर इयररिंग्स, कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक स्टोन मिल जाता है, एक फ्लावर आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये डिटैचेबल है, आप इसे निकाल सकते हैं और उसके बाद आप इसे पहन सकते हैं। सो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ये निकल जाएगा। अगर आपको नॉर्मल स्टोन पहनना है तो भी आप कैरी कर सकते हैं, और अगर आपको इसको फ्लावर के साथ पहनना है तो आप कुछ इस तरीके से इसे कैरी कर सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं, और आप अगर इन्हें पास से देखें तो आप इनकी डिटेलिंग देख सकते हैं। फ्लावर की जो डिटेलिंग है वो बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दी गई है आपको। ये झुमकी टाइप में आते हैं, वो आपको नॉर्मल मिल रहा था, यहाँ पर ही आपको झुमकी में मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का ये आपको मिलता है, झुमकी में भी आपको पर्ल्स दिख जाते हैं, और यहाँ पर ये आपको एक स्टोन की लेयर मिलती है। यहाँ पर ये गोल्डन ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्टोन्स हैं, और बहुत ही प्यारा काम हो रखा है। बैक से आपको पूरा का पूरा होलो नहीं मिलता, फिल्ड है ये चीज़, और इसीलिए ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, और ये पहनने के बाद भी बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। झुमकी वाले इयररिंग अगर आप पार्टी वेयर में भी पहनना चाहते हैं, नॉर्मल कोई ओकेजन है तब भी आप पहनना चाहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिनका ओवल शेप फेस होता है उनके ऊपर झुमकी वाले और लॉन्ग में इयररिंग काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बीड्स के इयररिंग मंगाए थे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये नॉर्मल आपको हुप्स मिलते हैं, डबल लेयर में सर्कल का काम है, जिसपे ऑरेंज और येलो कलर के बीड्स का काम हुआ हुआ है, और ये बीड्स आपको पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स में तार के साथ बंधे हुए मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि बीड्स निकल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तारों के साथ बंधे हुए हैं। और नेक्स्ट इयररिंग्स की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके के प्लास्टिक बॉक्स में आए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है। यहाँ पर आपको पर्ल मिल जाता है, फिर एक चेन है, फिर ये झुमकी है, और झुमकी भी पूरी व्हाइट कलर के मोतियों से फिल्ड है, और यहाँ पर अगर आप बीच वाले मोती का कलर देखें तो वो मजंटा है। आपको इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मुझे मजंटा चाहिए था, सो आई परचेज मजंटा कलर इयररिंग्स। बहुत ही प्यारा लगता है, गोल्डन व्हाइट एंड मजंटा के साथ ये इयररिंग्स का काम आप लोगों को मिल जाता है। प्लस अगर यहाँ पर बात करें तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इयररिंग हार्श हो आपको लगेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुंदर लगता है। और आपको अगर लंबे इयररिंग्स पहनने का शौक है तो ये आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये वाले इयररिंग्स जो है वो थोड़े से हैवी हैं, और इसको आप पार्टी वियर में पहन सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली पहन लेते हैं तो आप पहन सकते हैं, बट ये पार्टी वियर के लिए मैंने मंगाए हैं, क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, क्योंकि इसमें मेरे को लॉन्ग इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर हम इसके पेच की बात करें तो पेच भी नॉर्मल नहीं है इसका, वाइट के साथ गोल्डन पेच है इसमें, जो कि ईजीली आपके ईयर्स को प्लग कर लेता है और इतनी जल्दी से इसको डिटैच नहीं होने देता। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत पतला है, ईजिली आपका अगर पतला छेद है कान का तब भी ये इजीली आ जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये राउंड कलर का है, जो कि बहुत ही प्यारा स्टोन्स के साथ बना हुआ है। यहाँ पर ये पूरे में मोती आपको लगे हुए स्टोन लिखेंगे, यहाँ पर मोती हैं, छोटे छोटे मोती, इसका लूप का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको ये थ्री लेयर्स मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत ही अमेजिंग सा लुक देती है। गोल्डन एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, तो आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन और वाइट एक ऐसा है कि आप नॉर्मली इसको किसी भी साड़ी में गोल्डन कलर है, वाइट कलर है, हल्का सा बॉर्डर में, तो आप पहन सकते हैं ब्लैक कलर में। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग है, हुप्स के साथ हैं, तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ इनके डिज़ाइन की।
बहुत ही प्यारा तार के साथ बुना हुआ वर्क है। यहाँ पर आपको बीच में ये दिख रहा होगा, आपको शेप बनी हुई है, उसके बीच में डॉट बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा वर्क हो रखा है, बहुत ही प्रिटी लगते हैं ये। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखोगे तो ग्रे कलर के मोतियों का काम हो रखा है ब्लैक के साथ कंबाइन करके, और यहाँ पर नीचे आपको मोती देखने को मिलेगा जिसको कि इसी के साथ पिरोया गया है। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं इयररिंग, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। आप डूल कलर के अगर पहनना चाहते हैं बीड्स इयररिंग तो आप ये कैरी कर सकते हैं। आजकल ये बहुत चल रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लुक है। यहाँ तक सिर्फ आपको डिजाइनिंग है, ये आपको लेयर्स मिलती है सारी के सारी। अगेन मैं बात करूँ तो मैंने छोटे स्मॉल साइज इयररिंग्स में मैंने ये मंगाए हैं कुछ इस तरीके के इयररिंग। यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में विद क्यूब है बीच में, और स्टोन यानी कि जरकन का काम हुआ हुआ है छोटा छोटा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये इयररिंग है। इसके साथ जो आपको ये कलर मिलता है, इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने ब्लैक एंड ब्लू मंगाया है। लास्ट में मैंने एक ये सेट मंगाया था इयररिंग्स विद टीका, और इसको अब हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है। आप ये देख सकते हैं कितना प्रिटी लगता है ये पहनने के बाद। यहाँ पर ये आपको पीछे बालों में लगाने के लिए मिल जाएगा, ये पूरी की पूरी लड़ी में, और यहाँ पर ये इस तरीके का आपको इयररिंग मिलता है। मल्टी कलर इयररिंग है तो आप इजीली पहन सकते हैं, वैसे भी नवरात्रि आने वाली है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मल्टी कलर्स की, अगर आपकी साड़ी है या फिर आपका कोई आउटफिट है तो आप उसके साथ इसे कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिटैच करना चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक वायर है, उसको निकाल के आप डिटैच कर सकते हैं, सिर्फ इयररिंग्स पहन सकते हैं। और आप टीका भी देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है यहाँ पर मोतियों के साथ, ऐसा नहीं है कि खराब लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा। और सबसे अमेजिंग बात, ये आपको मिल जाता है 200 के अंदर। इसका प्राइस मुझे याद है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मुझे लगा था, और सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी के साथ आए। एक भी ऐसा नहीं है कि मोती निकला हुआ हो, कुछ भी ऐसी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये इयररिंग्स हॉल पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक, सारे लिंक्स आप लोगों को वहाँ अवेलेबल होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।